जो महिलाएं छठ में जो सिंदूर लगाती है माँ में, नाक से लेकर सर के ऊपर तक जो सिंदूर लगाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं हैं और नाक से ही सिंदूर यहाँ से क्यों लगाती है? देखिए, इसमें सबसे विशेष करके है सुहागिन जो है नाक से माथा तक सिंदूर इसलिए लगाती है कि अपने जो है पुरुषों के लिए सौभाग्य वर्धन प्रदान करते हैं, जैसे अपने पुरुषों की उससे आयु को जो है वो बढ़ाती है, विशेष करके कामना यही रहता है। वैसे छठ पर्व में सुहागिन महिला दूसरी सुहागिन को नाक तक सिंदूर लगाती है, जिसका विवेचन शास्त्रों में उपलब्ध है। इस प्रक्रिया में सिंदूर का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका सीधा संबंध पति की आयु से है। छठ पूजा के दिन यह प्रथा पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए शुभकारी मानी जाती है। अच्छा, यानी कि अपने पति और पुत्र के जी लंबी आयु की कामना से नाक से लेकर के माथे तक सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर का कलर विशेष करके लाल होना चाहिए, वैसे सिंदूरी कलर भी माना जाता है। और ये शास्त्रों के हिसाब से या लौकिक में ये माना जाता है कि जो महिलाएं नाक से माथे तक सिंदूर लगाती है उसमें अपने पति की और अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना से ही ये लगाते हैं।